मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग सोनू द मिस्टिक एंड हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी संडे। ब्रेकफास्ट हो चुका है अपना, और इसके पाड़ो जेब को ये देखिए अगरबत्ती और ये दिया कर दिया सोनू ने। अभी वो धूप कर रहे हैं, और धूप भी जल चुका है और बहुत ही अच्छे वाइब्स होते हैं ये। देखिए तो सोनू को धूप जलाना बहुत ही पसंद है, वो कभी भी उसको धूप का, दिया का, अगरबत्ती का, ये बहुत ही अच्छा है भगवान के सामने जलाया जाए घर में, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जलाई है। और यहाँ हो या देवलाली हो या कोई भी घर हो, सुबह सुबह धूप और इसका उसको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जलाती है। तो ये मैं जो लाई थी मंडला का पोस्टर जैसा, MDF बोलते हैं इसको, तो ये मैं जो लाई थी इसको मैं अभी थोड़ा पेंट करने का कोशिश कर रही हूँ। ये इसका ब्रश है। तो ये बाहर जो ड्राई एरिया है जहाँ पे मशीन लगती है इसके अंदर, वो तो बहुत ही गंदा था, वो पूरा राकेश ने साफ किया और वॉशिंग मशीन लगाई, इसको भी पूरा पोछा, पर मैं अपने ड्राइंग में बिजी थी, ये भी पूरा पोछा है। यहाँ पे धूल बहुत आ जाती है, ये रेलिंग भी सब पोछा है। तो अभी वही देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से अभी आगे क्या क्या करना है वो देखना है। और हम लोग सोच रहे हैं कहीं जाएं, कुछ एक्सप्लोर करें आज। तो हम लोग ने सोचा है पनवेल जाएंगे, वहाँ पर न्यू प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं और वो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे से गेटेड कम्युनिटी करके उन लोगों ने जिस तरह बनाया है ना, उसके क्लब हाउस ये सब बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो हम लोग ने सिर्फ उसका सा मॉडल सब देखा है, तो अभी जाके देखना चाहिए, तो वो करेंगे। तो अभी नहाएंगे, खाना खाएंगे और जाएंगे। ये नीचे झुक के दोनों घुटे हैं जिसके मुझे सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी आता है, थैंक यू। अब वो बंद करके उठा दो, उधर पकड़ो ना सोफी को, सुनील शेट्टी पागल दीवाना। मैं सुनील शेट्टी नहीं, वो एक नहीं याद है उसमें जो पहलवान लोग ऐसे उठाते हैं पहले रुकना नहीं ऐसे मैं पीछे वो अभी नहीं लाते फिर फिर देखना डबाक डबाक। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो थोड़ा आज रेस्ट डे था, संडे था, और अभी चल दिए हैं बाहर, मेडिसिन लेना है और आपको दिखाते हैं। चलिए बाहर चलते हैं, मेडिसिन लेके फिर वापस आएंगे। हर बार वीमार्ट के साइड जाते हैं तो आज थोड़ा ये साइड आ गए, थोड़ा यहाँ से नाश्ता भी अलग तरह से लेंगे। ये है हल्दीराम, इधर पर कोई नहीं होता है और बाजू में है चेतक। ये आ गए हम लोग वेलनेस, अभी ये मॉप लेना था हम लोग को, ये ले लिया है। छोटा सा हम लोग को चाहिए रहता है, तो वी हैव टेकन दिस क्योंकि बालकनी और सब में ये बराबर से काम आ जाता है। चलो राकेश डुबो, कितना दो 200 तो हम लोग रुके हैं यहाँ पर,
अंदर दिख रहे हैं भैया। ठीक है, फिर कल सुबह में भी डालना है। तो ये भर दिया भैया ने हमारा गमला, और अब देखिए भैया जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर एक अखबार कर लीजिए ना, है क्या टुकड़ा? गाड़ी गंदा हो जाएगा। लगा तो दर्द की दुकान, हम दोनों मकान, जर्जर हालत, कुछ ना कुछ हम लोग को एट द एंड ऑफ द डे होता ही रहता है, पर हम लोग हंसते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अभी मुझे यहाँ लोअर टीथ में थोड़ा सा दर्द देने लगा है शाम से, कल से ही था, शाम से और ज़्यादा हो गया है। कुछ खाते नहीं बन रहा है, कुछ नहीं होता है, बस दुखते जा रहा है। तो थोड़ा हम लोग ने मैकडोनल्ड्स का बर्गर मंगाया था, भूख लगी थी दोपहर में, तो दो बर्गर थे, एक राकेश ने अभी खाया और थोड़ा सा फ्राइड राइस हम लोग ने खाया। हवा भी लगे तो दुखता है थोड़ा, ठंडा गर्म तो दुखता ही है बहुत ज़्यादा। लॉन्ग पेंडिंग है, मेरे तो दांत गए टूट टूट के बेचारे गिर गए, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल में जब तक नहीं आएगा वो रूट कनाल पॉसिबल नहीं है, और डायबिटीज कितना भी कुछ भी कर लो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। और हम लोग को मतलब अभी राकेश ने मैंने जो राइस बनाया वो इतना तीखा लगा कि वो अब तक सीसी करती मैं शुरू जब आप पे लगा मर्चा। मेरे तो रूट कनाल के इसमें 3 दांत चले गए ऑलरेडी। तो ऐसी बहुत सारी हालत हमारी जर्जर है, मेरे को ठीक से बोलते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ज़रा सा भी टीथ टच होता है तो होता है। तो फ्लेक्सॉन थी हमारे पास मगर वो एक्सपायर हो चुकी है, तो उसको भी फेंक दी, तभी कोई सी दवा नहीं है। पर वक्त आ चुका है अब कल सुबह मिलने का, तो जय श्री सतगुरुदेव वंदन, कल सुबह मिलते हैं। जय सतगुरुदेव वंदन।